मोगा की सड़क हादसे में एक स्कूल बस के 8 बच्चों समेत कुल 9 लोग घायल हो गए। इनमें स्कूल बस का चालक भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। धुंध होने के कारण इस सड़क के किनारे खेतों में जा पलटी। घायलों को मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मोगा के दुसांज रोड स्थित स्कूल की बस बच्चों को लेकर मोगा आ रही थी। रास्ते में गांव जनेर के पास ये बेकाबू होकर पलट गई। हादसे का पता चलते ही आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। बस में सवार चालक और स्कूली विद्यार्थियों को निकालकर एम्बुलेंस की मदद से मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल स्कूल बस के चालक समेत कुल 9 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें सभी विद्यार्थी 8 से 10 साल की उम्र के हैं। तो वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे के संबंध में छानबीन शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह घनी धुंध को बताया जा रहा है। मोगा से न्यूज के लिए सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट।